द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स गाइस। आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी की इग्निस कार। तो आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं। इग्निस मारुति सुजुकी के नेक्सा आउटलेट पे जो है सेल आउट होती है, और ये वाला जो आज हमारे सामने फेसलिफ्ट वेरिएंट है, ये एक साल पहले फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी ने जो है कर दिया है। इससे पहले जो है दूसरा इसके अंदर जो है वेरिएंट आता था। सो गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। गाड़ी के इंजन के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इंटीरियर एक्सटीरियर सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। एंड गाइज, अगर पर्सनली बताऊँ तो मेरे को इस कार का फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, जो कि एक बोल्ड और स्पोर्टी लुक जो है आपको देता है। एंड उसके बाद अगर गाड़ी को फ्रंट से डीप डाउन बात करें तो हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी कीज़ के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर नेक्सा थीम्ड ब्लैक कलर की जो है इसके अंदर कीज़ मिलती है, जिसके अंदर दो बटन्स हैं, एक अनलॉक का और साथ ही साथ एक लॉक का। और इसके बाद अगर डीप डाउन हम फ्रंट की बात करें गाड़ी के, तो गाड़ी का फ्रंट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सामने की तरफ देखें तो सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा सुजुकी का यहाँ पर एक लोगो क्रोम का, और साथ ही ये यू शेप्ड क्रोम ग्रिल जो है इसमें देखने को मिलेगी। और साथ ही यहाँ बीच में ये प्लास्टिक पार्ट जो कि कुछ कुछ ऐसी एसी वेंट जैसे दिखते हैं, और साथ ही यहाँ फ्रंट में हैलोजन हेडलैम्प जो है आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इस हेडलाइट के ऊपर लगे क्रोम की बात करें तो ये पूरा दोनों हेडलाइट्स के ऊपर जो है एक स्ट्रिप लगी हुई है, जो कि पूरे दोनों हेडलाइट को जो है कवर करती है। और उसके बाद साथ ही नीचे की साइड देखें तो यहाँ पर आपको जो है फॉग लैंप्स मिलेंगे। इसके सराउंडिंग जो है आपको ब्लैक कलर का ये कंसोल मिलेगा, और साथ ही फ्रंट में आपको जो है फ्रंट बम्पर गार्ड इसका सिल्वर कलर का, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो ऑल ओवर फ्रंट से कार कुछ इस तरह से जो है दिखाई देती है, बोल्ड इसका जो है फ्रंट है। तो ये हुई गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात। अब चलिए चलते हैं साइड देखते हैं गाड़ी की और बात करते हैं साइड के बारे में। सो गाइस, साइड से कार कुछ इस तरह से दिखाई देती है। 3700 mm की इस गाड़ी की ऑल ओवर लेंथ है, जो कि वैगनार से थोड़ी सी ज़्यादा और स्विफ्ट से थोड़ी सी ही कम है। बाकी इसकी डीप डाउन बात करें तो आपको टायर जो है इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिलेंगे, और 175/60 R15 के इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो कि ट्यूबलेस टायर्स के साथ मिलेंगे। और साथ ही इसकी व्हील आर क्लैडिंग की बात करें तो फ्रंट से शुरू होकर ये रेयर टायर तक पूरा कार को जो है कवर करती है। एंड उसके बाद अगर इसके हुड के ऊपर लगे थोड़े प्लास्टिक पार्ट की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन ये इसके ऊपर लग रहा है। और उसके इसके और विम की बात करें तो आपको वो बॉडी कलर मिलेगा, साथ ही टर्न इंडिकेटर भी इसके ऊपर माउंट मिलेगा, साथ ही इसका डोर हैंडल भी आपको जो है बॉडी कलर मिलेगा। और अपर की साइड यहाँ पर देखें तो आपको एक सिल्वर कलर की रूफ रेल मिलेगी, जो इस कार में थोड़ा स्पोर्टी लुक एड ऑन कर देती है। और वहीं स्पोर्टी लुक की बात करें तो पीछे भी आपको जो है एक डिज़ाइन मिल जाता है, ये भी थोड़ा स्पोर्टी लुक एड ऑन कर देता है इसके अंदर, जो कि इसी कार के अंदर आपको मिलेगा। सो ऑल ओवर कार कुछ साइड से इस तरह से दिखाई देती है। सो गाइज, ये हुई कार के साइड के बारे में बात। अब चलते हैं कार के रेयर में और बात करते हैं गाड़ी के रेयर के बारे में। सो गाइज, अगर रेयर लुक की बात करें, गाड़ी रेयर से कुछ इस तरह से जो है दिखाई देती है। इसको कॉम्पैक्ट अर्बन एसयूवी कहा गया है, तो थोड़ी कॉम्पैक्ट ही लगती है, थोड़ा अलग सा इसके अंदर डिज़ाइन है। और अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को जितना फ्रंट में ये कार पसंद आई थी, उससे थोड़ा कम पसंद जो है रेयर से आई है। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी को थोड़ा कॉम्पैक्ट अर्बन एसयूवी कहा गया है, तो थोड़ा सा अलग सा इसके अंदर जो है डिज़ाइन है, मिड से थोड़ा कॉम्पैक्ट और अपर से और कॉम्पैक्ट, नीचे से थोड़ा ब्रॉड, थोड़ा अजीब सा डिज़ाइन अलग मेरे को इसके अंदर जो है लगा इस कार का। बाकी इसके ऑल ओवर डीपली अगर हम इस कार के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर की साइड अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको जो है एक स्पॉइलर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है एक नॉर्मल वाला एंटीना आपको जो है मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिलेगा, और वॉशर जो है यहाँ पर स्पॉइलर के जस्ट नीचे आपको मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डीफोगर्स मिल जाएंगे इस जेटा वेरियंट के अंदर, और साथ ही आपको वाइपर भी इसमें मिल जाएगा। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो नेक्सा की ब्रांडिंग आपको इसके ऊपर जो है देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद नीचे की साइड यहाँ पर देखें तो आपको स्प्लिट टेल लैंप इस कार के अंदर जो है मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको एक नॉर्मल पार्किंग लाइट, स्टॉप लैंप और टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही उसके जस्ट नीचे की साइड यहाँ पर देखें तो आपको एक रिफ्लेक्टर रेड कलर का जो है एक डिज़ाइनी रिफ्लेक्टर जो है देखने को मिलेगा। साथ ही 4i अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी इस कार के अंदर जो है मिल जाएंगे, और साथ ही ये सिल्वर आपको रेयर बम्पर गार्ड मिल जाएगा इस कार के अंदर।
तो रेयर से ये कार कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और उसके बाद अगर यहाँ पर नीचे की साइड, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की साइड आते हैं हम, यहाँ पर नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ पर जो है इग्निस की एक ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद अगर ऑल ओवर ये कार के बारे में रेयर से बात करें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। उसके बाद अगर इसकी बूट की बात करें, बूट ओपन की बात करें तो इसमें यहाँ पर एक स्विच जो है बूट को ओपन करने के लिए दे रखा है जो कि सेंटर लॉकिंग, 5-door सेंटर लॉकिंग से ही कनेक्ट है। और इसका ऑल ओवर बूट देखें तो हम बूट का स्पेस अगर इसके अंदर देखें तो टोटल बूट स्पेस जो है इसके अंदर 260 लीटर का इसके अंदर जो है बूट स्पेस आपको इस कार के अंदर मिल जाएगा। साथ ही स्पेयर व्हील भी आपको इस कारपेट के नीचे जो है आपको मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जो दे रखा है वो है लगेज रूम लैंप भी इस कार के अंदर जो है दे रखा है, जेटा वेरिएंट के अंदर जो आपको ये मिल जाता है। तो ऑल ओवर जो है बूट आपने देख ली है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो इस पार्सल ट्रे को भी आप जो है हटा सकते हैं, पार्सल ट्रे के अंदर 2 स्ट्रिप लगी हैं, आप इसे नॉर्मल हटा भी सकते हैं। और इसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो 60-40 स्प्लिट का जो है इस कार के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है ताकि आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप दोनों सीट्स फोल्ड कर सकते हैं और आराम से अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है मिल जाता है आपको इस कार के अंदर। जैसे कि आप दो ही पैसेंजर हैं, आराम से सीट को फोल्ड कीजिए और आपके पास लगेज रखने के लिए स्पेस ही स्पेस मिल जाएगा। सो गाइस, ये हुई बातें कार के रेयर के बारे में बात। अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स पर, बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में। अगर बात करें गाड़ी के इंटीरियर के बारे में तो हम कैसे भूल सकते हैं स्मार्ट एंट्री स्विच के बारे में, जो आप नॉर्मल प्रेस करते हैं की गाड़ी की जो आपकी पॉकेट में होगी और नॉर्मल गेट जो है खुल जाएगा। और साथ ही इसके इंग्रेस और एग्रेस की बात करें, इसके अंदर आपको बैठने में और निकलने में गाड़ी के कोई भी जो है प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आने वाली। चलिए चलते हैं कार के अंदर और बात करते हैं अंदर से। सो गाइस, अब आ गए हम कार के अंदर। सो कार को अंदर से बात करें, इसकी सीट्स के बारे में बात करें तो सीट्स की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और आपको जो है इसके अंदर बकेट टाइप की जो है सीट्स इसके अंदर जो है मिलेंगी। इसका जो है अपोल्स्ट्री आपको इसके ऊपर जो मिलेगी वो आपको मिलेगी फैब्रिक अपोल्स्ट्री, जिसके ऊपर जो है एक छोटा जहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मिनिमल सा डिज़ाइन बना हुआ है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्टेयरिंग के ऊपर जो है आपको सबसे पहले अगर हम स्टेयरिंग पे देखें तो यहाँ पर आपको सुजुकी का एक लोगो मिलता है, SRS एयरबैग की यहाँ पर एक बैजिंग मिलती है। साथ ही इस वेरियंट में आपको लेदर रैप स्टेयरिंग नहीं मिलता, इससे अपर वाले में आपको लेदर रैप स्टेयरिंग जो है मिल जाता है। साथ ही स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, साथ ही आपको कॉल अटेंड पिक के और वॉइस कमांड के जो है स्विचेस जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें एक डिफरेंट सी चीज़ इसमें देखने को मिली जो कि इसके अंदर है, यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं ट्रिप के बटन जो है यहाँ पर होते हैं, नॉर्मल एक नॉब निकली रहती है इसके अंदर, बेसिकली ट्रिप के बटन जो है यहाँ पर है, ट्रिप आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और साथ ही इन्फॉर्मेशन अगर कोई चाहते हैं कार से रिलेटेड, जैसे कि इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह वगैरह, और इसके अंदर जैसे आप देख रहे थे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अगर इन्फॉर्मेशन का बटन दबाए यहाँ पर, रेंज कितनी गाड़ी चल सकती है, तो यहाँ पर उसके लिए एक यहाँ पर बटन दिया हुआ है। साथ ही इस डिस्प्ले की जो है ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, आप इससे यहाँ से जो है ब्राइटनेस इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, आपको एक AC वेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ ही इसके ऊपर जो है एक नॉर्मल सिल्वर एसेंट आपको देखने को मिलेगी जो कि एक अपमार्केट प्रीमियम फील जो है इसके अंदर देती है। और साथ ही यहाँ पर जो है आपको एक ट्विटर दोनों साइड जो है मिल जाएगा इस कार के अंदर। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो आपको एक प्रीमियम फील वाला जो है इसके अंदर डिफरेंट डोर हैंडल जो है इसके अंदर मिलेगा, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं एक डिफरेंट टाइप का एक इसके अंदर डोर हैंडल दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर चारों पावर विंडोज़ के स्विचेज हैं और साथ ही यहाँ पर सेंटर लॉकिंग का, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विथ फोल्डेबल ORVM के स्विचेज जो है यहाँ पर दे रखे हैं। और यहाँ पर जो है आपको क्रोम का डोर हैंडल इसके अंदर मिल जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पर इसके MID की बात करें तो इसके अंदर जो है टैकोमीटर आपको जो है एक नॉर्मल यहाँ पर दे रखा है, और इसके बाद स्पीडोमीटर भी यहाँ पर जो है मिड में दे रखा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है एक इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, जिसके सराउंडिंग आपको सिल्वर की जो है फिनिशिंग यहाँ पर मिल जाएगी, और साथ ही यहाँ पर हेडलाइट लेवलिंग का स्विच जो है मिलेगा। एंड उसके बाद में MID की बात करें तो MID इसके अंदर आपको दो तरह की जो है एक तरह से देखने को मिलेगी, एक आपको जो है नॉर्मल एक डिजिटल जो है आपको एक डिस्प्ले मिलेगी, और साथ ही एक नॉर्मल जो है स्पीडोमीटर यहाँ पर, साथ ही टैकोमीटर।
जो कि ये काफ़ी अप मार्केट और एक अच्छी फील जो है इसके अंदर जो है दे रहा है अगर हम देखें यहाँ पर तो। एंड साथ ही इसके डैशबोर्ड की अगर बात करें, डैशबोर्ड इसमें पूरा का पूरा जो है फ्लैट मिल जाएगा ब्लैक कलर के अंदर, और साथ ही इसका ड्यूल टोन का जो है इंटीरियर है। एंड यहाँ पर इसके ऊपर स्मार्ट टेस्ट स्टूडियो 17.778 सेंटीमीटर का जो है इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि सभी मारुति कार में नॉर्मल आता है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर और सेकंड टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। और इसके अंदर जो जिस तरह से इसे लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अलग से जो है लगा हुआ है, लेकिन ये अलग से नहीं है, इसके अंदर ये इनबिल्ट कंपनी से ही आता है। एंड यहाँ पर AC वेंट जो है इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मेरे को, मैं पर्सनली बताऊँ आपको, मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसका इंटीरियर अच्छा लगा अगर इस रेंज की कार्स के बारे में बात करें तो। फिर अगर यहाँ पर देखें तो आपको एयरबैग के लिए यहाँ पर एक सेक्शन जो है, यहाँ पर एक अलग सा स्क्वायर बॉक्स इसके अंदर बना हुआ है। साथ ही ये जो AC वेंट की जो लाइन है ये यहाँ तक पूरा जारी है, और लेकिन यहाँ पर AC वेंट नहीं है, यहाँ पर एक छोटा सा शायद स्टोरेज स्पेस से कह सकते हैं, लेकिन ये किसी काम का मेरे ख्याल से है नहीं, इसके अंदर कुछ रख भी नहीं सकते हैं आप। और यहाँ पर सिर्फ AC वेंट आपको जो है चार मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक साथ ही यहाँ पर और एक, जैसे कि मैंने चारों दिखा दिए हैं आपको। और साथ ही इसका ग्लव बॉक्स अगर आप देखें तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस इस छोटी कार के अकॉर्डिंग जो है मिल जाएगा, यहाँ पर भी स्पेस है और साथ ही अपर की साइड भी जो है इसके अंदर स्पेस है, तो मतलब इसमें ड्यूल ग्लव बॉक्स आप इसके अंदर जो है इसे कह सकते हैं। एंड साथ ही यहाँ पर देखें तो आपको हैजार्ड का स्विच जो है मिल जाएगा, और साथ ही उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो आपको एक मैनुअल AC कंट्रोल जो है इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि उभरा सा इसके अंदर जो है, बाकी और जो कार्स होती हैं उनके अंदर बिल्कुल अंदर फिक्स होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखें तो 12 वोल्ट एक्सेसरी सॉकेट और USB और AUX के लिए यहाँ पर जो है एक स्विच दे रखे हैं आपको। साथ ही यहाँ पर स्टोरेज स्पेस इसके अंदर दे रखा है, ड्यूल कप होल्डर इस कार के अंदर मिल जाएंगे आपको। और साथ ही इसके चारों तरफ यहाँ पर बात करें तो आपको एक ब्लू कलर की, जिस कलर की कार है उस कलर की जो है आपको एसेंट मिल जाएगी, और साथ में साइड में यहाँ पर जो है इसके ऊपर डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो आपको जो है इसके गियर बॉक्स के सराउंडिंग भी जो है, गियर लीवर के सराउंडिंग आपको दो तरह की फिनिश मिल जाएगी, एक पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी और साथ ही एक सिल्वर फिनिश इसके अंदर जो है मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील इसके अंदर दे रही है। और यहाँ पर साथ ही एक पार्किंग ब्रेक इसके अंदर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो आपको चारों डोर्स के अंदर इसमें जो है 1 लीटर बॉटल होल्डर भी इसके अंदर मिल जाएगा। एंड उसके बाद अपर की साइड भी बात करें तो यहाँ पर आपको जो है एक सन वाइजर मिल जाएगा, जिसके अंदर वैनिटी मिरर है को ड्राइवर साइड के अंदर। और साथ ही अपर की साइड बात करें यहाँ पर आपको जो है एलिमिनेशन लैंप, मैप रीडिंग लैंप जो है इसके अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो आपको डे नाइट IRVM भी इस कार के अंदर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर बात और फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपको जो है इसमें ड्राइवर साइड वाला जो डोर सनवाइजर है उसके अंदर जो है आपको टिकट होल्डर भी इसके अंदर मिल जाएगा। तो गाइज ये हुई गाड़ी की फ्रंट सीट्स के बारे में, फ्रंट के बारे में बात, गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात। अब चलते हैं गाड़ी के रेयर पे और चेक करते हैं गाड़ी का हेड रूम, शोल्डर रूम, लेग रूम की रेयर सीट पे आपको कैसा लगेगा, और रेयर सीट में जो है कितना ज़्यादा स्पेस है ये फिर क्या आप चेक कर सकते हैं आप। चलिए चलते हैं पीछे। सो गाइज अब आ गए हम कार की रेयर सीट पे, और अगर रेयर सीट की बात करें, रेयर सीट भी फ्रंट सीट की तरह ही कंफर्टेबल है वैसे तो, लेकिन अगर मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसमें थाई सपोर्ट देखूं तो थाई सपोर्ट इस कार के अंदर जो है थोड़ा सा मुझे कम लगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन लेग रूम इसके अंदर काफ़ी सफिशियंट है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें अर्बन SUV वैसे जैसे कहा गया है, तो इसके अंदर जो हेड रूम भी आपको सफिशियंट इसके अंदर मिल जाएगा। और साथ ही इसके चारों जो है आपको हेडरेस जो है एडजस्टेबल मिल जाएंगे, मतलब कि रेयर वाले हेडरेस भी जो है आपको एडजस्टेबल दोनों के दोनों मिल जाएंगे। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर डोर हैंडल्स की बात करें, चारों डोर हैंडल आपको जो है क्रोम वाले इसके अंदर मिल जाएंगे, और रेयर में भी आपको यहाँ पर एक वाइट फिनिश और साथ ही रेयर पावर विंडो का स्विच जो है यहाँ पर मिल जाएगा। एक वाइट फिनिश जो है इसके अंदर एक अप मार्केट प्रीमियम फील इसके अंदर जो है देती है, और चारों डोर्स में साथ ही इसके जो है स्पीकर्स आप इसके अंदर देख सकते हैं इसमें मिल जाएंगे। एंड रेयर में आपको एक सिंगल कप होल्डर जो है इस कार के अंदर यहाँ पर मिलेगा, और इसमें जो रेयर में आपको कोई भी यहाँ पे मैप रीडिंग लैंप वगैरह जो है इसके अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ऑल एंड ऑल काफ़ी अच्छी है कार, रेयर से भी काफ़ी अच्छी है। सो गाइज ये हुई बातें गाड़ी के ऑल ओवर इंटीरियर के बारे में, और अब चलते हैं जानते हैं गाड़ी की सेफ्टी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में।
सो गाइस बात करें अगर गाड़ी की सेफ्टी के बारे में, गाड़ी में ड्यूल एयरबैग, एबीएस, सीबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इमोबिलाइजर, और इसकी एनकैप सेफ्टी रेटिंग जो है 3 स्टार इसके अंदर जो है इस गाड़ी को मिली है। और साथ ही इसके बाद बात करें अगर गाड़ी के इंजन और स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो 1197 सीसी का इसके अंदर BS6 इंजन मिलता है, जो कि 5 मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आपको मिल जाता है। और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है 20.89 किलोमीटर पर लीटर जो है कंपनी क्लेम करती है। साथ ही एक शोरूम प्राइस दिल्ली मैंने इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर दे दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर कलर्स की बात करें तो कलर्स के अंदर सिल्की सिल्वर, एंड उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर नेक्सा ब्लू आपको मिल जाएगा, और साथ ही ल्यूसेंट ऑरेंज, इसके अलावा टर्कोइश ब्लू, ग्लिसनिंग ग्रे, पर्ल आर्कटिक वाइट, ल्यूसेंट ऑरेंज विद ब्लैक रूफ, नेक्सा ब्लू विद सिल्वर रूफ, नेक्सा ब्लू विद ब्लैक रूफ, ये सब कलर्स आपको इस कार के अंदर मिल जाएंगे। सो गाइस आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।